हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और हर हर महादेव। तो ये सावन का दूसरा सोमवार है जिसमें मैं फास्ट हूँ, यानी मेरा व्रत है। और मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि इसके पहले जो वीडियो गया था, मैंने बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन बाबू भी मेरा व्रत था और मैं भी व्रत थी, तो पूजा तो करना ही करना था। तो मेरे मतलब बाबू भी मंदिर नहीं गए थे मेरी वजह से, और मेरे घर में शिवलिंग नहीं थी। तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। तो मैंने इसी मतलब यूट्यूब चैनल पर ही देखा है कि अगर आपके यहाँ शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी की शिवलिंग बना कर उसको घर में पूजा कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप उसको विसर्जित कर सकते हो। तो मैंने भी यही काम किया, मुझे नहीं पता था, मैंने यहीं से जाना है। तो मैंने भी मिट्टी की शिवलिंग बना कर और पूजा की थी। तो मैं वही कर रही थी कि पहले मैंने शिवलिंग बना कर रख लिया है और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जहाँ पर ब्लर किया हुआ है, इस जगह पर मेरे पति देव हैं, यानी कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लोवर पहना हुआ है, लेकिन यानी कि टी शर्ट या बंडी वगैरह उन्होंने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं पहना हुआ है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से वो आ रहे थे, तो फिर मैंने उनको ब्लर कर दिया, क्योंकि सभी लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता है। तो क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरी तबीयत नहीं सही है, तो वो मेरे साथ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और इधर भी बाबू भी मेरा तैयारी कर रहा है। पति देव क्या कर रहे हैं, मंदिर से जो सामान है वो उठा उठा कर मुझे दे रहे हैं, और बाबू मेरा क्या कर रहा है कि जो बाहर का सामान लाना है, जैसे कटोरी है, प्लेट है, फल है या जो भी कुछ है, तो वो ला कर दे रहे हैं। और यहाँ पाटे पर मुझे आसन बिछाना था, तो आसन जो मैं ढूंढ रही थी, आसन था ही नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसी को ही बिछा कर इसी पर पूजा कर लेती हूँ, कम से कम आसन तो रहेगा, कुछ तो बिछा रहेगा, क्योंकि इस खाली तो नहीं रहेगा पाटा। तो मुझे ये कपड़ा मिला, और ये मंदिर का ही कपड़ा है, साफ कपड़ा है, तो मैंने इसको बिछा लिया है, और इसमें जो है गंगा जल छिड़क लिया है, और इन्हीं मतलब इस पाटे पर अपने भोले बाबा को विराजमान कर दिया है, और बेलपत्र है। मुझे ज़्यादा पूजा सामग्री भी नहीं पता है, और कुछ भूल भी गई थी और कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, यानी कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कि मेरा BP वगैरह डाउन हो गया या जो भी कुछ है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, तो ऐसे ही कुछ था। तो मुझे कुछ जो जितना याद रहा मैंने उसी तरह से पूजा कर लिया, और जो नहीं याद रहा तो भगवान भोले बाबा मुझे माफ़ करें, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण मैं आधा अधूरा अगर करी हूँ, तो बाबा भोले बाबा मुझे माफ़ करें। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बाबू से अपनी जो है दूध चढ़वाया, गंगा जल छिड़क दिया था, उसके बाद दूध चढ़वा दिया है, शहद चढ़वा रही हूँ, घी चढ़वा दूँगी, लेकिन दही नहीं था तो दही नहीं चढ़ाया था। और फिर इसके बाद जल से अभिषेक करा दूँगी, और फिर बाबा जी का अपने श्रृंगार करूँगी। बस इसी तरह से हमारी पूजा चल रही है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा और कि क्या मैंने गलत किया और क्या सही किया। और इसके बाद बेलपत्र चढ़ा दूँगी और फूल चढ़ा दूँगी, कुछ अच्छे थे मेरे पास उनको चढ़ा दूँगी, और तिल भी है और इतर भी है, शमी का पत्ता भी है, यानी इतनी चीज़ें हमारे पास है, और चंदन भी है। तो इतनी चीज़ें मैं चढ़ा दूँगी। वैसे देखा तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था, तो इसलिए मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जितना मुझे याद रहा, अपने बाबू को पूजा मैंने करा दिया, क्योंकि बाबू का व्रत था और मेरा भी था, तो हम दोनों लोगों ने पूजा कर लिया, और पतिदेव भी खड़े हुए हैं एक साइड में। और तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेती हूँ पूजा।
धतूरा वगैरह नहीं था मेरे पास, और बाबा जी को फल चढ़ा दूंगी, सेब है और नाशपाती है और यहाँ पर सब कुछ चढ़ा दिया है। अब बाबा जी की कर लूँगी आरती। तो यहाँ पर सबसे पहले आरती मैंने की थी गणेश जी की, फिर इसके बाद भोले बाबा की आरती की थी। यार मुझे पूजा करना नहीं आता है, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नहीं भी बताइएगा तो हर हर महादेव, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी भोले बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, सही गलत मुझे नहीं बता सकते, लेकिन हर हर महादेव तो पक्का ही लिख सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखेंगे। इधर बाबू ने मेरे धूप जला दी है और अब हम लोग कर लेंगे आरती बारी बारी। से पहले बाबू करेगा, फिर पतिदेव करेंगे और इनके बाद मैं कर लूँगी। तो ये रहे मेरे भोले बाबा की, हो गई पूजा, हो गया श्रृंगार और जल रहा है दीपक। जब ये दीपक शांत हो जाएगा तब मैं ले जाकर इनको विसर्जित करूँगी, क्योंकि अभी तो दीपक जल रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं और करना भूल गई थी, दीपक के नीचे अक्षत या फूल रखना भूल गई थी। तो यहाँ पर दीपक वगैरह शांत हो गया है तो मैं ले आई हूँ छत के ऊपर विसर्जित करने के लिए। और ये है हमारा समी का पेड़, तो इसी में मैं विसर्जित कर दूँगी। लोग मतलब मैंने सुना है, कहते हैं कि आप जल्दी जितनी भी जल्दी विसर्जित कर दो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं ला कर अपने बाबा जी को विसर्जन कर दे रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, ये कर दिया। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि इसके संडे वाले दिन मैंने मीठा नीम का पेड़ लगाया था, क्योंकि मीठी नीम जो थी हमारी सूख गई थी, और एक बेल का पेड़ लेकर आई थी। तो यहाँ की बाल्टी में मतलब गमला टूटा हुआ था, गुड़ैल लगा हुआ था, सूख गया था, तो वो गमला भी मैंने चेंज कर दिया, बाल्टा लगा दिया। और ये बेल का पेड़ लेकर आई थी, दो पेड़ लेकर आई थी, मीठी नीम और बेल का, तो वो दोनों मैंने लगा